Hey guys, this is Zahid Akhtar and you are watching the Zahid Akhtar Vlogs. And guys, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे L'Oreal Men Expert के फेस वॉश का रिव्यू और वेरिएंट है हाइड्रा पावर. गाइज, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस फेस वॉश को मैंने मंगाया है मिंत्रा से. करीब 1.5 महीने से इसको मैं यूज कर रहा हूं और लगभग 60% खत्म कर चुका हूं. और जितने भी ऑयली स्किन वाले मेरे भाई बंधु हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना. वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले दो चीज कहूंगा, चेहरा पसंद आ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं हो सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिएगा, और दूसरी बात इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हम भी हैं, आइए वहां पर थोड़ी वार्तालाप करते रहते हैं. तो वीडियो स्टार्ट करें गाइस. सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पैकेजिंग की. तो पैकेजिंग जो इसकी है वो इन्होंने ब्लूइश और ग्रेइश कॉम्बिनेशन में बनाई हुई है, जैसा कि नाम डिपिक्ट करता है हाइड्रा पावर, मतलब समझ आ रहा है पानी से रिलेटेड. तो इन्होंने पानी का जो है ब्लू रंग दे दिया है. पैकेजिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा मेरे को पसंद आती है. मैंने L'Oreal Men Expert का एक फेस वॉश यूज़ करा था 2017 में, और उसके बाद पूरे 3 साल बाद मैं अब दोबारा से इनका मैंने ये फेस वॉश मंगाया है. इसके गाइस करीब 4 से 5 अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं और सबकी पैकेजिंग इसी प्रकार की होती है, कलर कॉम्बिनेशन अलग होगा. दूसरी बात, MRP की अगर हम बात करें तो लगभग सारे L'Oreal Men Expert के जो लड़कों के लिए फेस वॉश बने हैं उन सबकी MRP 499 है, लेकिन मिंत्रा पे अगर आप इसको लोगे तो 399 मिल जाती है. कभी कभी हो सकता है 300 भी मिल जाए, 350 भी मिल जाए, बट एवरेज आप मिंत्रा पे कभी भी फेस वॉश को उठाओगे 399 इज दी प्राइस जो आपको मिलेगा, बट MRP इज 499. वहीं हम बात करें जरा क्या क्या चीज़ें हैं इसकी, तो इन्होंने लिखा हुआ है वाटर पावर डुओ फोम डिटॉक्सीफाइंग प्लस एंटी रफनेस. उसके बाद ये लिखते हैं कि फ्रेंच माउंटेन वाटर है प्लस जी साइलिक रीसरफेसिंग कॉम्प्लेक्स. और पहली चीज जो इनकी है डिटॉक्सीफाइज एंड रिफ्रेश करता है. दूसरा ये है स्मूथेंस स्किन टेक्सचर. जरा जब इसके पीछे हम आएंगे तो वही बात इन्होंने लिखी हुई है जो हमने पहले आगे पढ़ी, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए. वहीं अगर हम बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपके सामने है, आप चाहिए तो उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा. अब हम बात करेंगे इसके कंसिस्टेंसी, इसके टेक्सचर की और क्या ये काम करता है. तो जब हम अपने हाथों में इसको निकाल रहे होंगे तो हम देखेंगे कि ये ब्लू और वाइट कॉम्बिनेशन का ये फेस वॉश निकलता है. थिक कंसिस्टेंसी है, जैसे कि गार्नियर के बहुत सारे मैंने फेस वॉश के जो रिव्यू करे हैं, निव्या के करे हैं, कंसिस्टेंसी सेम वैसी ही है, फोम वैसा ही बनाता है. थोड़ा सा आप अपने हाथों में लीजिए और उसके बाद अच्छा खासा आपको लैथर, आपको फोम देखने को मिलता है. अब मैं स्टार्टिंग से क्यों कह रहा था कि ये ऑयली ओलों के बहुत सही है, वो इसलिए गाइस कि जब आप इसको अपने चेहरे पर लगाते हो, मेरा भाई है उसकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, अभी वो पिछले 6-7 दिन से घर पे है तो वो इसी को यूज़ कर रहा है. तो गाइस ऑयली स्किन वाले जो है ना, ये आपके चेहरे से पूरा पूरा ऑयल खींच के निकाल लेता है, आपको कोई भी ऑयल 1 दिन तक तो नहीं देखने को मिलेगा. अब भैया टेंडेंसी है हमारे स्किन की, हमारे बॉडी की, कि आपकी ऑयल आएगा, बट उस दिन आप ऑयल मुक्त रहोगे. सो आप सुबह यूज़ कर रहे हो, रात तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और रात को फिर करके सो जाओ, क्योंकि रात को तो ऑब्वियस यार, मैंने जितनी भी स्किन केयर रूटीन बनाई है उसमें मैंने बताया हुआ है कि भैया रात को चेहरा साफ करना कितना ज़रूरी हो जाता है. सो यार गाइस, हम बात कर रहे थे इसकी कंसिस्टेंसी, इसके टेक्सचर मैंने बता दिया गाइस, और लेदर ये बहुत ज़्यादा बनाता है. थोड़ा सा यूज़ करने में ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा सही है. अब ड्राई स्किन वाले क्या इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बहुत बड़ा सवाल है. मेरी स्किन ड्राई है और मैं भी इसको यूज़ करता हूँ, बट कभी कभी क्या होता है, जैसे लगभग ये आपको सर्दियों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मैंने इसको मंगाया था तब शायद फेब स्टार्ट हुआ था, आइडिया नहीं मेरे को एग्जैक्ट कि कौन सा दिन था, बट तब मैं जैकेट हम लोग नॉर्मल पहन लेते. तो ड्राई स्किन वालों के साथ क्या दिक्कत होगी, थोड़ी सी दिक्कत है ये बेसिकली, या ड्राई स्किन वाले हैं वो कुछ भी चेहरे पर लगाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द फेस वॉश के साथ उनको दिक्कत होती है. तो जब आप लगाओगे तो आपको देखोगे कि आपके चेहरे पे, आपके गाल पे थोड़ा थोड़ा हल्का सा आप देखोगे कि वो फटा फटा टाइप का वो जो नहीं होता है स्किन निकल रही होती है एक नई नई टाइप की. तो जैसे आप सर्दियों में देखते हो बॉडी में आपके हाथों में फ्लेक्स जम जाते हैं जब आप कोई भी शावर जेल या साबुन से नहा रहे होते हो. सो उस केस में आप क्या करते हो, अपने बॉडी में बॉडी लोशन लगाते हो, और जब चेहरे की बात आती है तो आप क्या लगाते हो, एक मॉइस्चराइज़र हो गया, एक फेस जेल हो गया. सो इस फेस वॉश के साथ भी यही है. जब आप, और वैसे भी यार आप ड्राई स्किन वाले हो या कोई भी स्किन वाले हो, आपको अपने चेहरे पे अपने स्किन टाइप के हिसाब से कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ता है आफ्टर यू डू योर फेस वॉश थिंग. सो ड्राई स्किन वाले हो तो गाइज हाईली रिकमेंडेड है कि मॉइस्चराइज़र या फेस जेल ज़रूर लगाया करो. अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने पॉन्ड्स का फेस जेल लगाया हुआ है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन में लिंक डाल दूंगा. सो यही सीन था, बेस्ट फॉर ऑयली स्किन. ड्राई स्किन वाले भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बस ये है कि ड्राई स्किन वाले इसको एक बार यूज़ करो काफ़ी है यार, और उसके बाद ज़रूर से ज़रूर मॉइस्चराइज़र
और फेस जेल लगाना मत भूलना। मैं इसको 1.5 महीने से यूज कर रहा हूँ, मेरे को तो कोई वैसे दिक्कत नहीं आई है। मेरे भाई ने भी यूज कर लिया। सो ऑयली स्किन के लिए भी मैं जो टेस्ट करना चाह रहा था अपने भाई पे, सो हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑयली स्किन। और गाइज अगर आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे तो कोई भी मेरे को ऐसा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। मैं ऑलरेडी इसका बहुत बड़ा फैन हूँ यार, मैंने 2017 में भी यूज़ करा था। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो थोड़ा सा जिनको नॉलेज है और उनकी स्किन ऑयली है, तो वो ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि वो फेस वॉश ऐसा हो जो आपके चेहरे से सारा सारा ऑयल निकाल ले। तो इसी केस में गाइज जो मैं ज़्यादातर रिव्यूज़ करता हूँ वो बेसिकली ऑयली स्किन ओरिएंटेड फेस वॉश के होते हैं। अब ये मच्छर क्यों घूम रहा है भाई यहाँ पे? सो मैं यही कह रहा था गाइज कि अगर आप मुझसे पूछोगे तो हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। आपको अब कहाँ से लेना है, मार्केट में आपको मिल जाएगा, बट मार्केट में कोई इस पर कुछ ऑफ नहीं देता है, तो 500 का ही पड़ेगा। बट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर अमेज़ॉन पे अवेलेबल है तो वहाँ का भी लिंक डाल दूंगा, और मिंत्रा पे तो अवेलेबल है ही क्योंकि मिंत्रा से मैंने इसको मंगाया था। तो दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, आपको जहाँ से भी लेना होगा आप ले सकते हो। कमेंट में करके ये बताइएगा गाइज मेरे को कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने सारे दोस्तों से शेयर कर देना, और इन फ्यूचर और कौन कौन से प्रोडक्ट रिव्यूज़ चाहते हो वो भी मेरे को कमेंट में लिख के बताओ। इंस्टाग्राम पे मैंने पहले ही बता दिया था, अगर हो तो कनेक्ट हो जाना। टिकटॉक पे भी हैं, वहाँ पे भी कनेक्ट हो जाएगा। और अपनी एक वेबसाइट है गाइस groomingcraze.com, अगर आपको और ज़्यादा चीज़ें पढ़ने का शौक है, क्योंकि सारी वीडियो नहीं बना पाता हूँ, कुछ चीज़ें मैंने वहाँ भी डाल रखी है। सो वहाँ आइए, उसको अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों शेयर करिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।